आमतौर पर सभी सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेज होती हैं, जिन्हें आतंकवादी हमले से निपटने, प्लेन हाईजैक होने की स्थिति में बंधकों को छुड़ाने, दुश्मनों के घर में घुसकर बदला लेने और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन किया जाता है। उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगी, जिसमें हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर वहां चल रहे आतंकी अड्डों को न सिर्फ तबाह किया था बल्कि 36 आतंकियों को मार भी गिराया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये कौन सी फोर्सेस के जवान थे जिन्होंने दुश्मन देश में जाकर उन्हें खत्म किया? ये जवान थे इंडियन पैरा कमांडोज। इन कमांडोज को इस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए इतनी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि कई कमांडोज तो इसकी ट्रेनिंग में ही दम तोड़ जाते हैं। जी हाँ, अगर नहीं मानते तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कैसे एक आम इंसान स्पेशल ट्रेनिंग और अपने जज्बे के दम पर बन जाता है फौलाद। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मिलकर जानेंगे कैसे होती है इंडियन पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग। पैरा कमांडो दोस्तों, रेड डेविल्स के नाम से जाने जाने वाले पैरा कमांडोज भारतीय सेना की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित एलीट फोर्स है। इनकी पहचान इनके सिर पर लगी मैरून बैरेट यानी कि गोल मैरून रंग की टोपी होती है। इसी फोर्स के जाबाज कमांडोज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर उरी हमले का बदला लिया था। पैरा कमांडोज का गठन साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। इस फोर्स का गठन स्पेशल ऑपरेशंस, हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने, पर्सनल रिकवरी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम देने के मकसद से किया गया था। ये कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। इस समय पैराशूट रेजिमेंट में कमांडोज की 8 बटालियंस तैनात हैं। पैरा कमांडोज के लिए जवानों का चयन सेना की विभिन्न रेजिमेंट से किया जाता है और इसे ज्वाइन करने वाले सभी जवान स्वेच्छा से वॉलंटियर करते हैं। कुछ फ्रेश रिक्रूट्स और कुछ रेगुलर आर्मी के जवानों को पैरा कमांडो बनने के लिए शरीर और आत्मा दोनों तोड़ देने वाली 3 से 6 महीने लंबी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें हिस्सा लेने वाले 30% सैनिक ही इसे पूरा कर पाते हैं, और जो इन सभी कठिनाइयों से पार पाकर ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं वो बनते हैं इस इम्प्रेसिव मरून कैप के हकदार। ट्रेनिंग के दौरान सभी जवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमता को अच्छे से परखा जाता है। सबसे पहले जवानों को पैरा ट्रूपर्स बटालियन में जगह बनानी होती है, जिसकी ट्रेनिंग 3 से 6 महीने तक चलती है। पहले 90 दिनों में प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स को फिल्टर किया जाता है। पैरा बनने की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक रूट मार्च कंप्लीट करना होता है, जिसमें 23 किलोग्राम का वजन उठाकर 60 से 70 किलोमीटर की दौड़ सैनिक लगाते हैं। इसके अलावा इन्हें हर तरह के हथियारों को चलाना, बम और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। 90 दिनों की इनिशियल ट्रेनिंग के बाद डटे हुए सैनिकों के लिए एक 5 हफ्ते का हेल वीक शुरू होता है, जिसमें इन सैनिकों को बेहद ही कम नींद और खतरनाक टास्क चुनौती के तौर पर दिए जाते हैं। इन टास्क में 25 मीटर दूर टारगेट पर निशाना लगाना, जब आपका बड़ी उस टारगेट के बिल्कुल साथ खड़ा हो, जैसे टास्क भी शामिल होते हैं। फर्स्ट फेज में जंगल में सर्वाइवल स्किल्स की ट्रेनिंग इन सैनिकों को दी जाती है। दूसरे फेज में दुश्मनों से बचने और रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा फेज सबसे टफ होता है और इसमें सैनिक के दिमाग को उसके शरीर की तरह फौलाद बनाया जाता है। इसमें पकड़े जाने पर इमोशनल कंट्रोल, इंटेरोगेशन से बचने की टेक्निक्स और खराब से खराब मानसिक स्थिति में भी सही निर्णय लेने की ट्रेनिंग इन कमांडोज को दी जाती है। ट्रेनिंग इतनी टफ होने के बावजूद मरून कैप को पाने का जज्बा इन कमांडोज के हौसले बुलंद रखता है। ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है एक 36 घंटे लंबा अभ्यास, जिस दौरान बिना खाए और बिना सोए मिशन को अंजाम देना होता है। यदि इस दौरान कोई भी जवान सोता या खाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय निकाल दिया जाता है। 36 घंटे की इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन्हें 100 किलोमीटर की एंड्योरेंस रन में भाग लेना होता है, जो बेहद ही मुश्किल होती है। 100 किलोमीटर की पूरी दौड़ इन्हें 30 किलोमीटर के 2 और 10 किलोमीटर के 4 चरणों में 16 से 17 घंटे में पूरी करनी होती है। इसके अलावा इन्हें लगातार 15 दिनों तक जागने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। पैरा कमांडर्स को हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के इलाके में बिना नजर आए उतरने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें संकरी रास्ते, पहाड़ों पर कम से कम समय में चढ़ने और लंबी दूरी तक तैरने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा पैरा कमांडोज जंगली जानवरों की आवाज भी निकाल सकते हैं। इन सभी तरह की ट्रेनिंग्स को जो जवान सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है उसे मरून बैरेट यानी कि गोल टोपी दी जाती है, जिसका अर्थ होता है कि उन्हें पैरा कमांडोज के परिवार में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। पैरा कमांडोज की यूनिट्स हर वक्त या तो किसी मिशन पर होती हैं
या फिर मिशन पर जा रही होती हैं। इनके मिशंस में फेलियर का मतलब फेलियर नहीं मौत है। इनकी ट्रेनिंग पर डिस्कवरी चैनल की एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री का लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इनकी ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप ऐसी ट्रेनिंग कर सकते, नीचे हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।